नमस्कार, मैं हूं पंकज शुक्ल। एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है शुक्ल पक्ष। आज हमारे साथ एक वेब सीरीज काला पानी के सितारे हैं, उनके रचयिता हैं, उनके अभिनेता हैं। हम आपका परिचय पहले करवाते हैं। हमारे साथ बृहस्पति सरकार हैं, समीर हैं, आरुषि हैं, अमेय हैं और आशुतोष गोवारिकर जी हैं। आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। शुरुआत हम आशुतोष जी से करते हैं क्योंकि सीनियर मोस्ट हमारे साथ में मेरे बिल्कुल बाएं तरफ बैठे हुए हैं और क्योंकि आशुतोष जी का एक और आ रहा है सिनेमा का और उनको बहुत लोग प्यार भी करते हैं हिंदी बेल्ट में। अभिनय में आपको पहले भी लोग देखते रहे, आप अभिनय छोड़ के फिर निर्देशन में आए थे, फिर निर्देशन से वापस अभिनय आप कर चुके हैं बीच में भी। अभी शायद 6-7 साल बाद आपका ये मौका लगा है। ये बिल्कुल सही है। तो इसके पीछे क्या कारण था, इस कहानी का कोई उत्प्रेरक रहा होगा आपके लिए? नहीं, ये कहानी तो डेफिनेटली बहुत डिसाइसिव फैक्टर था मेरे लिए। एक्चुअली 3-4 कारण है। एक सबसे बड़ा कारण ये है, ये दोनों और अमित गुलानी जो डायरेक्टर हैं, इन तीनों का काम इतना अच्छा रहा है कि वो हमेशा मैं देखते आया हूँ और मुझे हमेशा पसंद रहा है। लेकिन और हमेशा मन में ये रहा है कि कभी ना कभी इनसे मुलाकात होगी तो मैं इनसे कहूँगा कि मैं कितना इनका बड़ा फ़ैन हूँ, एडमायरर हूँ। ये मौका मिला मुझे जब ये मुझे रोल ऑफर करने आए, तो मैंने कभी नहीं हुई थी, तो मैंने मन में तो ये सोच लिया था कि अगर ये कुछ ऑफर कर रहे हैं तो अच्छा ही होगा, मैं हाँ ही बोलने वाला हूँ। दूसरा कारण हुआ टाइटल इनका, काला पानी, सर्वाइवल ड्रामा, एक रहस्य और एक थ्रिलर फॉर्मेट में है, नेटफ्लिक्स पे है शो, और मेरा जो किरदार है लेफ्टिनेंट गवर्नर ज़िब्रान कादरी अंडमान का, तो ये सब इतने ऐसे टिक अपने जो चेक बॉक्स को हम टिक करते रहते ना, वो मेरे लिए इतने ये हुआ कि मैंने इमीडिएटली हाँ कह दिया। और ऐसा नहीं कि पहले ऑफर नहीं हुए हैं रोल्स, लेकिन वो रोल्स इतने मुझे नहीं लगता था मैं उसमें कुछ कर सकता था, मैं मुझे कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता था, वैलिडेशन कुछ करता। हाँ, तो इसमें मुझे लगा कि ये मुझे सूट भी कर रहा है अकॉर्डिंग टू देम और मैं इसमें कुछ थोड़ा सा कर पाऊँगा, मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन कर पाऊँगा, बस। तो मैं आज बहुत खुश हूँ। तो काला पानी पर हम बात करेंगे और आपसे शंकर पे भी 2 साल जब पूछेंगे कि हमारे पास बहुत तगड़ा फीडबैक आ रहा है उस फिल्म को लेकर के, लेकिन फिलहाल काला पानी से बात करते हैं। विश्वपति के पास जाते हैं क्योंकि आशुतोष जी ने बात की आपका, आप दोनों की, कि आप दोनों आए और आपने एक अच्छे खासे निर्देशक को फिर से वापस अभिनय में लिया है, उनको एक फिल्म शुरू करनी है अभी। तो आशुतोष जी को सेलेक्ट करना एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के किरदार में, जब वो एंट्री होती है उनकी और जो डायलॉग वो बोलते हैं वो डिस्टर्ब होना चाहिए शायद, तो एक जो आपने खाका सोचा होगा जब लिखते समय आपके मन में थे यही कि यही कलाकार होंगे, या आपने पूरी कहानी लिखने के बाद आपने सोचा कि नहीं आशुतोष इसके लिए सबसे सही होंगे? नहीं, एक्चुअली पूरी कहानी लिखने के बाद हमने सोचा था, और एक वाइब होता है हर कैरेक्टर का, तो इस कैरेक्टर के साथ वैसा था कि बहुत ही भरोसेमंद, बहुत एक बहुत प्लीजिंग लीडर लगना चाहिए, वैसा अथॉरिटी मांगने वाला ना हो कि उसको देख के आपको भरोसा आ जाए, अपने आप रेस्पेक्ट आ जाए। हम वही बात करते हैं राहुल द्रविड़ वाइब की, कि एक राहुल द्रविड़ जैसा एक भरोसेमंद, मिस्टर डिपेंडेबल, कि मुसीबत के समय ये मेरा लीडर हो तो मैं शायद मैं इसके साथ रहना चाहूंगा। तो आपने पहले दीवार एक ढूंढी, उसके आड़ में आप करेंगे हमला। नहीं नहीं, तो मिस्टर वॉल भी कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली स्माइल फ्रॉम लगान तो हाँ। फिर ऐसे ही बात हुई, और जो हमारे कास्टिंग डायरेक्टर है वैभव विशांत, हाँ। उन्होंने जैसे ही सर का नाम सजेस्ट किया तो हम लोग सब एक दूसरे को देखने लग गए और लगा कि हाँ सही तो फील हो रहा है। कितने साल सर जो आपने लगान देखी होगी? मुझे याद है मैं 11 साल का था जब मैंने लगान देखी थी, और मुझे वो मोमेंट भी याद है जब किसी मेरे दोस्त ने आके मुझे बताया था कि अरे लगान देखी, अरे क्रिकेट के बारे में, और मैंने कहा कहाँ, क्या क्रिकेट के बारे में, क्योंकि ट्रेलर्स वगैरह में कुछ रिवील नहीं होता। और फिर मुझे वो भी याद है जब पहली बार मैंने थिएटर में देखा था, और आई थिंक हर किसी को याद ही होगा जिस किसी ने भी देखा होगा, तो वो तो स्टेडियम में था, मैं थिएटर में थोड़ी था, वो स्टेडियम ही बन गया था वो फिल्म जब तक खत्म होती है। और फिर इत्मीनान से ऑफकोर्स कई 100 बार फिर बाद में भी देखा। तो समीर, आप लोग जैसे जो आपका एक इतिहास है जी, जो सीरीज बनाने का टीवी के समय से, और परमानेंट रूममेट्स बनाने का, या पंचायत है या गुल्लक है, तो मतलब आप लोगों के नाम आते हैं ना तो एक स्माइल आती है चेहरे पे, अच्छा ये लोग लेके आए कुछ तो हंसाएंगे। इस बार जब नाम आया तो आपने सोच रहा है यार ये क्या करने जा रहे हैं? हाँ, ये अच्छी चीज है शायद। यही हम चाहते थे कि लोग भी सोचे कि अरे ये क्या करना चाह रहे हैं, बिकॉज जो चीजें हमने पहले करी हैं, मतलब वो एक तरह की कहानियां थी,
और हमको भी एज स्टोरी टेलर्स नई कहानियाँ एक्सप्लोर करनी थी, तो जब ये आइडिया आया तो हमको लगा कि हाँ ये वो कहानी है जो हम डेफिनेटली कहना चाहते हैं, बहुत अलग स्पेस में है। सारे लोगों ने मिलकर लिखी है कहानी है। जी मतलब मेन तो बिस्वती सरकार ने लिखी है, बिस्वती सरकार तो निकलना मुश्किल होता है, वो बिस्वती नहीं बिस्वती बोलते हैं, कर्मा कर्मा का नाम है राणा विश्व प्रताप सिंह, नहीं तो वो माने तो बिस्वती है, तो बिस्वती इज द बिस्वती सॉफ्ट हो गया वर्जन, अब विश्वपति बोलेंगे तो लगेगा यार कुछ तो आएगा पीछे से साउंड, बैकग्राउंड भी साउंड भी आएगा वो वैसा होगा, बट हम क्या इतने सालों साथ है ना कि सर वो सर साउंड और वो सब होता नहीं तो बिस्सू ही निकलता है। तो बिस्सू ने लिखी है और भी राइटर्स हैं, निमिषा, संकेत, छह लोग हैं शायद, जी जी तो इन लोगों ने सब ने लिखी है बट बिस्सू इज द मेन राइटर। एंड हाँ जब ये कहानी लिखी गई, जब आइडिया ही बिस्सू ने सुनाया था तो हमको काफी एक्साइटिंग लगा था और हमारे लिए भी जरूरी था कि हम ऐसी कोई चीज एक्सप्लोर करें, बिकॉज थोड़ा सा एक कंफर्ट जोन से निकलकर चीज करने का जो मजा होता है एज स्टोरी टेलर वो बहुत एक्साइटिंग होता है आपके लिए, तो इसलिए आई थिंक हम ऐसी और भी कहानियाँ अलग अलग टाइप की कहानियाँ कहना चाहेंगे, बिकॉज आई थिंक वो हमारे लिए भी एज मेकर्स एक अच्छा ग्रोथ रहता है फ्रॉम व्हाट वी हैव डन बिफोर। आरुषि आपका पहला एसोसिएशन है इन लोगों के साथ में? नहीं सर, दूसरा एक फिल्म हमारी पिछले साल आई थी जादूगर, हाँ हाँ, तो जीतू के साथ, जी हाँ, हाँ तो वो पहली फिल्म थी, हाँ, और ये तो लव ऑल है, लव लव की बजाय लव ऑल है, दोनों तरह के पॉइंट, बट आई एम रियली ग्रेटफुल की हुआ क्योंकि जादूगर में भी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और ये लोग दिखाते नहीं है चेहरे पे पर ये लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं सच में। तो जब भाई मतलब एज एन ऑडियंस मैंने भी बहुत सारा काम, आपकी पढ़ाई शायद मिलती जुलती है ना, आपने भी इंजीनियरिंग वगैरह कुछ किया, ये लोग भी इंजीनियरिंग करके यहाँ आ गए हैं, जी है ना, जी जी, तो उसका भी कुछ फायदा मिलता है आपको? फायदा तो पता नहीं, पर वगैरह कुछ मिलता है यार, लड़की को इंजीनियरिंग का क्या है, हमारा उल्टा है सर, कोई हमसे बोलता है कि इंजीनियर कहने यार फिर एक इंजीनियर तो कोई नॉन इंजीनियर है तो आए, इसीलिए हमें वाक जो है ना इसमें बिल्कुल ऑड एंड आउट है, थिएटर के बैकग्राउंड से भी बहुत सारा थिएटर किया हुआ है। ये बताओ मैं आपका चेहरा इतना भोला है, इतना मतलब दिखता है, लेकिन वो जो जैसे चेहरा अमीर बाग आता है स्क्रीन पे लगता है अच्छा कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो होने वाला है, पैसे मिलते ही बदल जाता है भोली सूरत दिल के घोड़े, पैसों का कमाल है सर की कुछ नहीं लेकिन इतनी यंग एज में एक IPS का रोल करना है ना, एक तो IPS आदमी बनते बनते उसकी आधी जिंदगी निकल जाती है, हाँ। और उसमें भी फीते आपके स्टार स्टार जो काफी बड़े हैं उसमें, मुझे लगता है कि IG लेवल का ऑफिसर बन गया है, तो एक सीरियस करेक्टर जब करना होता है वो भी एक यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर का, कितना चैलेंजिंग होता है एक एक्टर के लिए कि उसके न्यूएंसेस पकड़ के रखे कि IPS ऑफिसर है तो रिवॉल्वर कहाँ बांधेगा, उसके जूते किस कलर के होंगे, सितारे कितने होंगे, वो सब आप ध्यान रखते हैं कि वो सब कॉस्ट्यूम के पास आपसे डायलॉग पे फोकस रखते हैं? हाँ एक्चुअली मैं बताऊँ, एक्चुअली हम एक ऐसे प्रोफेशन में हैं जहाँ हर डिपार्टमेंट को अपना काम पता होता है, और ये लोग ये तो चुनते ही ऐसे लोग कि इनको पता है कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है, काला पानी जैसा शो करना आसान बात है नहीं, सिर्फ एक दो तीन लोग मिलकर ये बना नहीं सकते, हर डिपार्टमेंट अपना काम पहले से अच्छी तरह से जानता था, तो मेरे लिए सबसे बड़ा न्यूआंस यही है, सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है कि मैं अपने डायरेक्टर की सबसे पहले सुनूं, तो मैं यही करता था। आशुतोष त्रिपाठी की बात करते हैं सेट पे? हाँ बहुत ज्यादा एक्चुअली, आप लोगों का एकदम ट्यूनिंग बैठ जाती है एकदम से, बिल्कुल बिल्कुल, चिन्मय मांडलेकर भी हमारे साथ हैं, सभी बात करते थे, बट या जैसे आपने कहा कि शायद मैं इतना ऑब्वियस कास्टिंग नहीं हूँ इस रोल के लिए, वही सरप्राइज है, बिकॉज मुझे लगता है कि हर कोई पुलिस ऑफिसर हमारे आजू बाजू जो है, एवरीवन इज नॉट 6 feet टॉल, सब लोग एकदम सिंघम मोड में नहीं होते, पीपल दे ऑल्सो लुक लाइक नॉर्मल ह्यूमन बींग्स, और जो है उनकी मेहनत है, उनका दिमाग है, उनका जज्बा है, ये सब चीज़ें हैं जिन पे फोकस करना चाहिए मुझे लगता है, तो इस शो में सिर्फ मैं नहीं, आई थिंक हम सब बहुत, और इनका ही एक्चुअली आई थिंक वो क्रेडिट है, अगर आप स्क्रिप्ट भी देखे जाए तो ऐसा नहीं कि दे डोंट ऑलवेज गो फॉर ऑप्शन ए, जो ऑब्वियस चीजें हैं वो ये लोग करते नहीं है, तो वो कास्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होता है, स्क्रिप्ट में भी रिफ्लेक्ट होता है, म्यूजिक चॉइसेस में भी रिफ्लेक्ट होता है, तो सवाल इसलिए पूछा था, हाँ, कि मेरे बहुत सारे IPS दोस्त हैं जो बहुत ही नॉर्मल लुकिंग है, बात करेंगे तो exactly. तो नहीं, हम लोग साथ फिल्म देखने चले जाएं तो मतलब पुलिस वाला भी रास्ता नहीं देता है, चलो किनारे हो जाओ, तो
एक जब कास्टिंग होती है, एक तो ऑब्वियस कास्टिंग आईपीएस ऑफिसर होगा तो मुझे होंगे दबंग होगा, एक बिल्कुल अंडरडॉग की तरह कोई है या बहुत मेलोड डाउन करेक्टर है उसको करना है, और जो रोल है वो एक परसेप्शन बना हुआ है सिनेमा में या कहीं भी कि अच्छा आईपीएस ऑफिसर ऐसा, उसको ब्रेक करना कितना मुश्किल होता है उस परसेप्शन को? नहीं, आई थिंक मैंने तो इसका प्रेशर लिया नहीं, आई वॉज जस्ट फोकसिंग ऑन माई परफॉर्मेंस, बाकी जो ब्रेक वेक तो कुछ करना ही नहीं है एक्चुअली, जो है बस आई हैव टू बी ऑनेस्ट टू माई पार्ट इन द शो, और जो है वो ब्रेक हो जाएगा, नहीं तो जो मेक है वो हो जाएगा, मतलब मैंने तो इसका प्रेशर ज़्यादा लिया नहीं, बट मैं ये देख रहा था कि इसका ह्यूमन साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, वही हाईलाइट करना है, और इवेंचुअली क्या है जो स्क्रिप्ट है ना वही आपकी बाइबल है, वही आपकी गीता है, वही आपकी कुरान है उस रोल के लिए, तो मराठी में वर्ड प्रामाणिक, व्हाट इज द वर्ड इन हिंदी, प्रामाणिक, तो उसी के साथ प्रामाणिक रहना है, और बस मैंने तो इतना ही सोचा था। स्टोरी टेलिंग की बात हो रही है, स्क्रिप्टिंग की बात हो रही है, तो आशुतोष जी आपसे बेहतर कौन एक्सपर्ट है इस पूरी टीम में? नहीं नहीं, मैं एक्सपर्ट नहीं हूं क्योंकि आप सीनियर हैं, ये लोग लिखते रहे, ये भी अच्छा लिख रहे हैं, काफी अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशंस को जो आपके सिनेमा के बारे में जब भी कोई बात होती है तो ये है कि एक एक्स्ट्रावेगेंट सिनेमा बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रावेगेंट सिनेमा बनाना, ओपनेंट सिनेमा बनाना विद ह्यूमन इमोशंस, कहानी में आपको बाकी भव्यता तो दिख रही है लेकिन मानवीय संवेदनाएं भी साथ साथ चल रही हैं, उसकी जो पकड़ है आपके सिनेमा की और जो किरदार आप कर रहे हैं वो भी काफ़ी मानवीय, उसको एक डर है कि इतने सारे लोग आ रहे हैं मेरे लाइन पे, कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा जी। तो आपके करेक्टर में जो अभिनय में भी जो ह्यूमन इमोशंस आप पकड़ते हैं किसी किरदार के लिए, वो कितना इंपॉर्टेंट होता है स्टोरी टेलिंग के लिए कि ऐसा लगे दर्शक को भी कहानी भागी जा रही हमसे तो कुछ बात ही नहीं हो रही? नहीं नहीं बिल्कुल, और उसके लिए समय लगता है, तो मेरा हमेशा जब फिल्म जब स्क्रिप्ट हो जाती है तो पहली चीज़ सब देखते हैं कि कितने पन्ने हैं स्क्रिप्ट के, और सबके मन में ये होता है कि स्क्रिप्ट के पन्ने होने चाहिए 115, 120 मैक्स, अगर 140 हैं तो लंबी पिक्चर है। एक्चुअली वो जो 140 हैं वो 20 एक्स्ट्रा पन्ने जो हैं उसमें किरदार जो हैं एक्सप्लेनेशन है उसका, उसकी इमोशनल कंटेंट बढ़ रहा है उसमें, तो आई डोंट गिव इम्पोर्टेंस टू व्हाट इज रिटन ऑन पेपर, व्हाट मैटर्स इज पर्दे पे क्या आ रहा है, क्या वो इमोशन कनेक्ट हो रहा है, और अगर अगर वो नहीं होगा तो फिल्म कनेक्ट नहीं होगी। तो इस केस में भी जो किरदार मैं कर रहा हूँ वो है तो बहुत ही अथॉरिटेटिव, ज़िब्रान कादरी अथॉरिटेटिव है, डिसीजन मेकर है, उसे पता है कि उसका जॉब क्या है, जॉब प्रोफाइल क्या है, और उसे किस तरह से इस पूरे द्वीप को संभालना है, लेकिन ये पहली घटना ऐसी होती है जिसमें वो भी अचंभित हो जाता है कि अब मैं हाउ डू आई सॉल्व दिस, इमोशनली अगर मैं देखूं तो आई हैव टू टेक अ डिसीजन, और मैं फैमिली को बचाऊं या 20 लोगों को बचाऊं, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इमोशनल कंटेंट को जब आप पकड़ें तो दोनों का कॉन्फ्लिक्ट, तो अब यहाँ पे आता है कि ये जो बिशपति ने लिखा है ये कमाल लिखा है, और जो निर्देशक है वो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। मेरा इसमें एक सवाल उनको ये था, एज एन एक्टर जब मैं इन्वॉल्व होता हूँ तो मेरा ये सवाल था कि मेरी आंखों में आंसू आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए इस सिचुएशन में, क्या मेरी आंखों में आंसू होंगे? और मैंने जब पूछा ये सवाल तो बिना झिझक के बिना पलक झपकते हुए उन्होंने कहा नहीं, वही बोला नहीं। तो जब नहीं इतना तुरंत आ गया तो मुझे रियलाइज हुआ कि एक मिनट ऑलरेडी सोचा हुआ है, बिकॉज इट इज एन इमोशन विच इज इंटरनल, देन यू हैव टू अप्रोच इट लाइक दैट। तो उसका ठहराव, उस बिना आंसू का ठहराव क्या हो सकता है, उन्होंने वर्कआउट किया हुआ। सो आई थिंक दीज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट लेसन्स। मतलब मैं अगर डायरेक्टर होता तो मैं तो सीधे आंसू निकालता पहले, बट दिस इज अ न्यू थिंग आई लर्न्ड फ्रॉम अभी क्या हो रहा है सिनेमा, मुझे लगता है इन लोगों की जो तारीफ करनी चाहिए, हालांकि ज्यादा हो जाएगी कैमरे के सामने, कर दीजिए सर। नहीं नहीं, कर दीजिए। जो समाज बदल रहा है जी, जो सबसे दिक्कत सिनेमा में जो मुझे समझ में आती है, मतलब 30 साल हो गया मुझे लिखते लिखते सिनेमा के ऊपर, सिनेमा को अगर आप समाज के साथ बदलोगे नहीं, उसे एक्सपीरियंस में बदलोगे, हो सकता है पहले किसी के पिता का निधन होता हो, बहुत जोर जोर से दहाड़े मारकर रोता हो, आज की तारीख में अगर बच्चा, मैं अपनी बताऊँ जिससे मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस है, नहीं रोते हैं लोग, क्योंकि उनको फैमिली को देखना होता है, आसपास जो लोग हैं अगर वो रोने लग जाए उनको लगता है कि मैं रोने लग जाऊंगा तो बाकी लोग क्या करेंगे, तो वो जो बहुत निटिग्रिटीज लोग पकड़ते हैं जो बदले हुए समाज की, वो काफ़ी अच्छी है। जैसे एक डायलॉग है जो उसमें अभी मैंने जो देखा, और उसमें कि पापा लोग थोड़े अनट्रेंड होते हैं बच्चों को पालने में, तो ये कहना
किसी फादर का आज की तारीख में ही हो सकता है, आज से 20-25 साल पहले नहीं हो सकता था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। जो फादर से रिलेशनशिप का आपका हर कार्य में देखता हूँ, अलग अलग जो पकड़ा है, तो ये कहाँ से आते हैं ये नोट्स, जो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं, पिटाई हुई है पिताजी से या और से आते हैं? नहीं, आई थिंक कॉम्बिनेशन है, काफ़ी चीज़ें वैसी होती हैं जो आप, जैसे मुझे याद है हम किसी चीज़ के लिए एक वो डिस्कस कर रहे थे कि किसी का पहली बार बेबी हुआ है तो एक फादर को कैसा फील हो रहा है, तो अब मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं था तो मैं बस लोगों के पास जाके पूछ रहा था, और कोई एक्टर कुछ बोल रहा है, कोई डायरेक्टर का अपना, और हमारे अकाउंटेंट थे, उन्होंने बहुत प्यारी चीज बोली कि सर वो वैसा था कि मेरे ऐसा फील हुआ कि मेरे बॉडी का एक पार्ट है जो अब तक मिला नहीं था मुझे, आज मिल गया, और मुझे लगा ये कितना प्यारा, कितना ओरिजिनल थॉट है, मुझे बस इसी को पेपर में किसी तरीके से लाना है। तो कई बार आप बात करते हो लोगों से, कई बार आपके खुद के एक्सपीरियंसेस होते हैं, कई बार आप इमेजिन करते हो, कई बार किसी और चीज को देखते हो, तो कॉम्बिनेशन है सर, बहुत सारी चीजों का। आरुषि, आपका जो करेक्टर है कि एक डिलेमा में है कि बॉयफ्रेंड के साथ रहे या फियांसे के साथ जाए, कैसे करे, और साथ में उसकी अपनी जिम्मेदारी भी है जो भी उसके पारिवारिक जिम्मेदारी मिली है, तो आपकी उम्र के हिसाब से वो करेक्टर काफ़ी गंभीर है, हालांकि लव आजकल में आपने बहुत अच्छा काम किया था, लीना का जो करेक्टर किया था, तो वो जो मेच्योरिटी लानी होती है अबव एंड ओवर द एज, तो उसके लिए आपका कोई रेफरेंस पॉइंट होता है, या आप किसी से डिस्कस करते हैं, या खुद ही इवॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि स्क्रिप्ट साहब से कैसे हम अपने आप को उस तरह से पेश करें? मुझे लगता है मैंने इस तरीके से अप्रोच नहीं किया था, मुझे नहीं लगता मैच्योरिटी या गंभीरता एज से आती है या नहीं भी आती है, मुझे लगता है उसका कोई रिलेशन नहीं है। इंसान में गंभीरता आती है जब उसके साथ कुछ सर्कमस्टांसेस आते हैं, वैसे हो सकता है 10-15 साल का बच्चा मुझसे भी ज़्यादा मैच्योर हो, ऐसी चीज़ बोले जो शायद मैं भी ना सोचती हूँ, तो मुझे लगता है वो चीज़ मुझे दिखाई दी। और जब आप इमोशंस के बारे में बात कर रहे हो तो मेरे ख्याल से वो जब जुड़ जाता है आपके साथ, जब आप रिलेट कर लेते हो उसके साथ, तो अपने आप वो गंभीरता आ जाती है इस कैरेक्टर में स्पेशली, क्योंकि स्टेक्स जो थे वो इतने हाई हैं कि आप उसको नीचे ला ही नहीं सकते, आपको यहीं पे रखना पड़ेगा, तो जब आप यहाँ पे रख रहे हैं तो इसलिए पूछ रहा था कि सकता आपको चांस मिल जाए आशुतोष जी की फिल्म में हीरोइन बनने का। इंटेलिजेंट आंसर दे आशुतोष जी, सुनिए हाँ ये लड़की अगले फिल्म में तो कविता की, आप सुन रहे हैं ना, तो कौन कौन सी फिल्में आपने देखी आशुतोष जी की, और उनका जो वुमन करेक्टर होता है अगर आप शुरू से देखें गौरी से लेकर के और पानीपत में कृति सेन के करेक्टर तक का, तो उसका एक स्केच होता है जी। उस कहानी में जितना मैं समझ पाया हूँ जी जी, हाँ, जी। आशुतोष जी की सिनेमा की कहानी सिर्फ हीरो की कहानी नहीं है या किसी एक किरदार की कहानी नहीं है, उसमें हर किरदार की उतनी इंपॉर्टेंस है, खास तौर से जितनी लड़कियां हैं महिलाएं दिखेंगी, छोटे से छोटा करेक्टर भी होगा, चाहे वो माँ का रोल हो बहन का रोल हो, वो एक स्टैंड आउट करता है जी। तो वैसा सिनेमा जब आपको करने को मिले और उस निर्देशक के साथ आप काम कर रही हो, तो आपका डिस्कशन क्या होता है जब शॉट नहीं चल रहा होता है, आशुतोष जी क्या कर रहे हैं, मेरी तरफ क्यों नहीं देख रहे हैं, आप बताइए क्या आपने नहीं किया? मेरा आशुतोष सर के साथ था नहीं कोई सीन अनफॉर्चुनेटली, तो हमारी इंटरेक्शन सेट पर तो नहीं हुई, पर सर लेकिन, की लेकिन लेकिन मैंने उनकी फिल्म जादूगर देखी और मैंने तभी समीर से पूछा कि हु इज दिस एक्ट्रेस, शी इज वेरी गुड, मैंने एक्चुअली तब ये नहीं देखी थी लव आजकल, बट आई थॉट जादूगर देखने वाले पहचान नहीं पाएगा ये वही आरुषि है। हां, आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। पर जैसे आप कह रहे थे सर की जो मूवीज़ हैं, चाहे लगान हो, जोधा अकबर, मुझे लगता है औरतों में बहुत इमोशंस तो होते ही हैं पर इतनी स्ट्रेंथ होती है जो शायद हमको अमूमन दिखाने का मौका नहीं मिल पाता रियल लाइफ में, पर पर्दे पर वो दिखाना बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है मुझे, मुझे ये फील होता है। और चाहे वो पानीपत हो या जोधा अकबर हो, वो जो आँखों में जो स्ट्रेंथ सर अपनी फीमेल कैरेक्टर्स से लाते हैं ना, वो मुझे लगता है सबसे ज़्यादा वो रहता है फिर आपके साथ, आपको 5-6 साल बाद भी याद रहता है कि मुझे नहीं पता सर क्या लिखते हैं पेपर पे, पर वो दिखता ज़रूर है स्क्रीन पर, और वो चीज़ आसान नहीं है, वो समझाना भी आसान नहीं है, वो दिखाना भी आसान नहीं है, वो लिखना भी आसान नहीं है, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है रियल लाइफ में इतना। बट आज हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे कैरेक्टर्स पढ़ पा रहे हैं, उन्हें परफॉर्म कर पा रहे हैं, वही एक चेंज आया है मुझे लगता है, जो कि बहुत अच्छा है औरतों के लिए, लड़कियों के लिए। सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी की गर्लफ्रेंड हैं या बीवी हैं या
एक ही लाइन पे नहीं चल रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत कुछ है, एक ह्यूमन बीइंग है जो कि लिखना चाहिए पढ़ना, हाँ, कोई लिखेगा तो हम समझेंगे ना, क्योंकि वो तो है ना हमारे अंदर, पर कोई लिखे तो वो चीज हमें आपको बहुत मिलता है वो करके दिखाने को। ये मेरी तो स्ट्रेंथ आंखों में ही है तो आंखें हमेशा ऐसी रहती है, कभी जब नहीं सोते हैं तो ऐसी हो जाती है। नहीं सर, ये मैं एक्चुअली सोया नहीं हूँ 5-6 दिन से। लाइफ में काला पानी जैसा सर्वाइवल ड्रामा चल रहा है। क्योंकि जो इसलिए मैं पूछ रहा था सवाल कि जो एक्टर्स जब आते हैं ना, जाहिर सी बात है पहले कास्टिंग देखता है आदमी, फिल्म शुरू होती है या सीरीज शुरू होती है तो वाघ कहीं दिखा, अच्छा महाराष्ट्र का एक्टर है, तो महाराष्ट्र के एक्ट्रेस के साथ हिंदी ऑडियंस का एक अलग लगाव है, खास तौर से अगर वो थिएटर से आया हो, हाँ। है ना, चाहे वो नाना पाटेकर हो या चाहे जो लोग जो थिएटर बैकग्राउंड से आए हैं महाराष्ट्र के एक्टर, उनको काफ़ी तवज्जो मिलती है हिंदी सिनेमा में और लोग उनसे एक्सपेक्ट भी करते हैं। जाहिर सी बात है कोई एक्टर सोचता नहीं होगा यार मुझे देखा जा रहा है कि मैं थिएटर बैकग्राउंड से आया हूँ, मुझे कुछ अलग करके दिखाना है, वो तो वही करेगा जो नेचुरल करने वाला है। लेकिन हिंदी सिनेमा में जो महाराष्ट्र के एक्टर हैं या मराठी थिएटर के एक्टर हैं, उनको जब आप देखते हैं तो किसी एक्टर की तरफ आपका ध्यान जाता है कि हाँ जहाँ पर ये पहुँचे वहाँ तक मुझे जाना है सिनेमा में? बहुत सारे एक्टर्स हैं, जैसे जैसे कि हमारे अशोक मामा है, अशोक सराफ जी है, डॉक्टर नीरू फुले जी थे, डॉक्टर श्रीराम लागू उन्होंने बहुत काम किया है, लक्ष्मीकांत बेर्डे जी, नाना पाटेकर सर, सयाजी शिंदे सर, एक्चुअली मैं आशु सर का भी आशु सर का भी नाम उसी लीग में ले सकता हूँ, बिकॉज आई थिंक उन्होंने पहले वो मराठी फिल्मों के एक्टर थे, तो ही इज ऑल्सो फ्रॉम द सेम लीग। पर मुझे बस ऐसा लगता है कि जहाँ पे मतलब मुझे यार तैरना आता है, वो तालाब में हो या समंदर में हो, फॉर मी हिंदी इंडस्ट्री इज अ बिगर इंडस्ट्री, बट यहाँ पे तैरने का थोड़ा चैलेंज अलग है, बट तैरना तो आता है तो दोनों तरफ तैर लेंगे। बस ये लगता है कि मुझे लगता है कि मराठी सिनेमा में और मैं थोड़ा अपनी तरफ से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ, मैं ऐसा कुछ करना चाहता हूँ मराठी सिनेमा के लिए जो पूरी दुनिया में मराठी सिनेमा नोटिस हो, और वो होप वो रोमांटिसिज्म मैं गिव अप नहीं करना चाहता। एक सवाल था विश्वपति और समीर आप दोनों से कि आप राइटिंग करते हैं, शोज बनाते हैं, इंजीनियरिंग और IIT वगैरह के बैकग्राउंड से हैं, जब गिवअप की बारी रिटर्न की बारी आती है, जब भी आप समाज को कुछ देना चाहते हैं, तो आप नए राइटर्स को, नई पौध को तैयार करने के लिए क्या करते हैं? आप लेते हैं इंटर्न्स, लेते हैं ट्रेनिंग्स, लेते हैं, तैयार रहते हैं, कि या फिलहाल आप ही लिख रहे हैं कि हम देखेंगे हमारे बाद कौन लिखेगा? नहीं, साथ में ही काम करते हैं, नए लोगों के साथ भी। नहीं, इसलिए मैं पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारे पास जो आते हैं फीडबैक जैसे आता है ना, जो लोग जानना चाहते हैं, अगर मान लो टीवी, अब तो क्वेश्चन पर पिक्चर्स हो गया TVF की बजाय, तो वहाँ तक किसी नए राइटर को, किसी नए लड़के को पहुँचना हो तो उसका जरिया क्या है? जी देखिए, स्क्रीन राइटर्स एसोसिएशन जो है वो पिच पहले क्या कर रहा था अभी क्या कर रहा था उसमें बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। हर 6 महीने, हर 1 साल में कुछ ना कुछ स्क्रीन राइटिंग कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं और बहुत सारे नए लोगों से पिक्चर्स, अगर मैं वही कह रहा हूँ, तो बहुत सारे राइटर्स उसके थ्रू इतने लोग आए हैं हमारे पास और हम इतने लोगों के साथ काम करते हैं। जैसे अभी क्या है कि क्योंकि पहले एवेन्यूज नहीं थे उतने, अभी ऑनलाइन भी तो एक वो जो तबका है जिनको एक्टिंग करना है, वो कई लोग ऐसे रील्स या यूट्यूब वीडियोस की तरह चले जाते हैं। जो सीरियस राइटर्स हैं वो जनरली ऐसे स्क्रीन राइटिंग कॉम्पिटिशन के थ्रू ही मिलते हैं। पहले शायद आज से 10 साल पहले आपको फेस टू फेस मिलके कुछ लिखवा के वैसे देखना पड़ता था, अभी काफी लोग, क्योंकि इंटरनेट है, सब कुछ रेडीमेड है, सब लोग काफी सीख के आते हैं ऑलरेडी, तो वो एक जरिया है जो अभी तक पिछले 2-3 साल से हम वैसे ही मिल रहे हैं लोगों से। और काफी ऐसे टैलेंट एजेंसीज भी हैं जो रेकमेंड करती रहती हैं राइटर्स को, तो उनके थ्रू हम डेफिनेटली। अशोक जी, आपसे सम अप करेंगे, जो कंटेंट का आउटबर्स की बात हो रही है पिछले 4-5 साल से, जो कंटेंट का एक्सेसिव कंटेंट बन रहा है अपने यहाँ इंडस्ट्री में हिंदी मोस्टली, उसका सिनेमा पे कोई फर्क पड़ता दिखता है आपको, सिनेमा की क्वालिटी पे या स्टोरी टेलिंग पे? लोगों की चुनौती बढ़ गई, डायरेक्टर्स के सामने थोड़ा और बेटर करना होगा, और लास्ट में शंकर जानना चाहेंगे कब तक आए? नहीं, मुझे लगता है फर्क तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत असर होगा, लेकिन वो जॉनर को लेके होगा। जैसे जब एक ऐसा दौर था जब जितने भी जब दूरदर्शन पहली बार आया, टीवी जब आया, तो जितने भी फैमिली ड्रामास थे और माइथोलॉजीज थे सिनेमा में, वो खत्म हो गए।
तो घर घर का संसार, घर संसार, घर घर की कहानी, ये सब खत्म हो गया, बिकॉज ये सब टीवी पे आ गया. तो दैट्स अ शिफ्ट दैट हैपेंस. करेक्ट. और वही शिफ्ट अब भी होगा, एंड वो शिफ्ट वेलकम है, क्योंकि जो बड़े जॉनर हैं, जो जो मेन स्ट्रीम के हैं, वो मेन स्ट्रीम पे रहेंगे, और यहाँ पे जो ऐसे जॉनर है जिनकी कहानियां बनी नहीं है, करेक्ट, वो अब यहाँ पे आने शुरू होंगी. तो जितनी और आए उतना बेटर है, और हर लैंग्वेज में आए. मैं तो कहता हूँ रीजनल सिनेमा भी जितना और बढ़े, मराठी में जितने और हमारे जितने उपन्यास हैं, लिटरेचर है, इतना रिच है कि जिसमें हम टच नहीं कर रहे थे, अब हम उसको पर्दे पर आपके तौर पर बननी शुरू हुई. फिल्में बहुत इंतहा बन रही है लगातार. जी जी. और आखिरी सवाल जो है अपने कार्यक्रम का, मैं कहता हूँ वो हम लोग अलग बात करते हैं. नहीं, बस एक ये कि मतलब वो जो है फिल्म कब शुरू हो रही है. और एक्चुअली क्या है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है इनके साथ. आई कांट टॉक अबाउट एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर काला बनी और नेटफ्लिक्स. हां, इसलिए इसलिए हम लोग सेपरेट उस पे बात करते हैं. ठीक है, थैंक यू सो मच. बहुत बहुत बधाई हो आपको और बहुत शुभकामनाएं आपकी सीरीज के लिए. सभी लोग देखें काला पानी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू. अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी. अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में. और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर. अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर.